बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 मैथ क्लास। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब एक्सरसाइज 8.5 कर रहे थे, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला अंडरलाइन करवा देती हूँ। आपका है फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 और इसी के साथ साथ आपका है फार्मूला नंबर 4। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में यूज हो रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.5 को क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट आपके पास है x plus y। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें। ये आपके पास x जो है वो आपका a है, y आपके पास क्या है b। ठीक है, तो a की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, x प्लस b की जगह पे y। यहाँ पे भी सेम ही करना है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 x y और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा x square plus 2 x y plus y square। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास है 3a plus 4। ठीक है, अब फार्मूला हम सबसे पहले लिखते हैं, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। ठीक है, अब यहाँ पे 3a जो है वो आपके पास सिंपल a और b की जगह पे क्या पुट करोगे, 4। तो ये आ जाएगा 3a plus 4 square is equal to 3a square plus 2 a आपके पास क्या है 3a, b आपके पास 4 plus 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 3a का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, 9a स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24a प्लस 4 4 जा 16। ये आपके पास सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 3a प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्या करना है, जो इसका है पार्ट नंबर 3 एंड 4 वो आपकी होम असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इसी तरह बल्कि पार्ट नंबर 5 भी आप लोगों ने खुद करना है, वहां पे भी प्लस का फार्मूला का है और सेम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका हो सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 ये है आपके पास 2a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहले आपने पार्ट किए हैं वो आपके प्लस का फार्मूला उसमें यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में माइनस है, तो इसका मतलब है आप जो फार्मूला यूज करोगे वो आपके पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। फार्मूला लिख लेते हैं ये। अब आपके पास a क्या है, सिंपल ये, और b आपके पास ये। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करें, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2a माइनस b की जगह पे ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2 a आपके पास क्या है a के 2a ना, तो यहाँ पे पुट करते हैं और b एज इट इज प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आपने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 7 और 8 जो है वो आप लोगों की होम असाइनमेंट है। 7 में नेगेटिव फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि अभी मैंने आपको करवा दिया, और 8 में आपका पॉजिटिव फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखेगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। सेवन ए माइनस एट बी। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। तो यहाँ पे ये आपके पास a है, ये आपके पास b है।
पुट करते हैं a की जगह पे 7a माइनस b की जगह पे 8b इज इक्वल टू a स्क्वायर व्हिच मींस क्या आ जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 अब a की जगह पे आ जाएगा 7a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8b प्लस 8b होल स्क्वायर ठीक है यहां पे 7a का स्क्वायर क्या होता है 49 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 49 a स्क्वायर माइनस 7 2 का 14 14 8 का 112 ab और प्लस 8 8 का 64 b स्क्वायर ठीक है यहां पे आपके पास आ जाएगा 7a माइनस 8b होल स्क्वायर ये आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो प्लस और माइनस के फार्मूले अप्लाई हो रहे थे ये मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिए अब हम इसका लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फार्मूला नंबर 4 यूज हो रहा है यहां पे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी ठीक है फर्स्ट पार्ट है इसका x plus y x माइनस y ठीक है अब हम फार्मूला लिखते हैं फार्मूला आपके पास है a प्लस b b माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है अब आपका a यहां पे जो है वो x को शो कर रहा है और b आपका y से तो अब आपने इस फार्मूले में यहां पे पुट करना है a की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस y और यहां पे x माइनस y is equal to a square a आपके पास क्या था x था ना तो ये क्या आ जाएगा x square और b आपके पास y तो ये आ जाएगा y square तो यहां पे x square minus y square आपका आंसर आ जाएगा ठीक है यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट आपके है 3a minus 8 और यहां पे 3a plus 8 3a plus 8 ये हमने क्वेश्चन लिख लिया अब हम फार्मूला लिखते हैं a plus b a minus b is equal to a square minus b square ठीक है अब यहाँ पे आपके पास सिंपल a जो है वो 3a और b आपके पास 8 ठीक है अब यहाँ पे पुट करते हैं a की जगह पे 3a plus 8 और यहाँ पे 3a minus 8 is equal to a square तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है 9a स्क्वायर माइनस 8 का 64 ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो उसका थर्ड पार्ट है वो आप लोगों की होम असाइनमेंट है वो आप लोगों ने खुद करना है मैं अभी आपको करवा रही हूँ उसका फोर्थ पार्ट फोर पार्ट है आपका x प्लस 3y और x माइनस 3y ठीक है सबसे पहले आप फार्मूला लिख लो फार्मूला आप लोगों को पता है कि हम आपने हर क्वेश्चन में अपना फार्मूला लिखा है a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो यहाँ पे आपके पास a और ये b वैल्यूज को पुट करो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा 3y होल स्क्वायर तो यहां पे इसका स्क्वायर खोले यह आ जाएगा 9y स्क्वायर ठीक है यहां पे आपका जो फोर पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है आप लोगों ने क्या करना है कि पार्ट नंबर 5 जो है वो आपकी होम असाइनमेंट होगी पार्ट नंबर 6 मैं आपको करवा देती हूं अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 6 यहां आपके पास 9x माइनस 11 और यहाँ पे है 9x प्लस 11 ठीक है फार्मूला आप लोग लिख लो ये फार्मूला हो गया ठीक है अब यहाँ पे ये आपके पास है b वैल्यूज को पुट करो तो ये आ जाएगा 9x प्लस 11 इनटू 9x माइनस 11 इज इक्वल टू a स्क्वायर तो इसका क्या मतलब है 9x का होल स्क्वायर माइनस 11 होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 99 का 81 x स्क्वायर और माइनस 11 11 का क्या होता है 121 ठीक है तो
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री के कुछ पार्ट जो आपको होम असाइनमेंट में मिले हैं वो आप लोगों ने पहले अपनी रफ कॉपी से ट्राई करने है, उसके बाद तो आपने उसको नीट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने सारा जो आज का काम हुआ उसके लिए रिटन प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।